व्यवहार है और प्रशासन का व्यवहार है वो ठीक नहीं है। ये फेस भारतीय जनता पार्टी को सफाया कर देगा। आप देखिए क्या हालत है, क्यों मारपीट हो रही, देखिए पुलिस क्या कर रही है। पुलिस कहां की तस्वीर मारपीट की, संभल की है। और यहाँ मैनपुरी का हमारे पास खबर आ रही है कि जहां समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता नेता हैं उन्हें बंद कर रहा है प्रशासन। जो मंत्री हैं उनके जो सहयोगी लोग हैं परिवार के लोग हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। अगर ये होगा तो लोकतंत्र सुरक्षित होगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि लोकतंत्र को बचाने के लिए बाहर आए, वोट डालें, हिम्मत और बहादुरी के साथ मुकाबला करें और वोट डालें। कितनी जगहों से मारपीट खबरें आ रही है, जो मारपीट की आप बता रहे हैं कितनी जगहों से? अगर हम कुल मिलाएंगे तो सबसे ज्यादा किसनी में, अभी जो सूचना मिली है चेयरमैन हमारा करहेल का है उसको बैठा लिया। किसनी में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके परिवार के लोग कह रहे हैं कि बेटा घूम रहा है, कोई कह रहा है कोई घूम रहा है। मैंने SSP से बात की है तो SSP कह रहे हैं कि रोक देंगे। और जो वहां का किसनी का कोतवाल है वो हमारे किसी BJP के नेता का रिश्तेदार है। तो आप सोचिए अगर लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए ये करेंगे तो जनता क्या करे। आपने चुनाव आयोग से शिकायत की, अखिलेश इस बात की, गंभीर मामला जो आप कह रहे हैं आपके माध्यम से और हर स्तर पर शिकायत हो रही है। मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेगा, जो ऑब्जर्वर है वो कार्रवाई करेंगे। लोकतंत्र तभी तो सुरक्षित रहेगा जब वोट डालने का अधिकार और वोट डालने का मौका मिले। जगह पे कई हर बार ये कहा गया कि लोकतंत्र खतरे में है, आपके एक वोट के अधिकार को भी छीन लेगी। अगर ये पुलिस को आगे कर देंगे तो आपका अधिकार कहां बचा वोट डालने का। जयवीर सिंह कह रहे हैं कि ये फ्रस्ट्रेटेड हैं, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और फ्रस्ट्रेट इसलिए कि जनता इनका साथ नहीं दे रही है। इतने दिनों से जब से कुर्सी पे बैठे हैं केवल झूठ बोलते हैं, इनकी बातें झूठी निकली, वादे झूठे निकले, इसलिए फ्रस्ट्रेट होकर के ये अपने कार्यकर्ता नेताओं से इस तरह का व्यवहार करवा रहे हैं। ये चाहते हैं रिएक्ट करें हम लोग, लेकिन हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत चतुर हैं। चतुराई से जो बुनियादी सवाल है महंगाई का, बेरोजगारी का और जिस तरीके से अन्याय उत्तर प्रदेश में हो रहा है उससे हट जाए हम लोग, लेकिन आरक्षण, संविधान, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सिद्धांतों से हम समाजवादी लोग हटने वाले नहीं है। वो कितनी भी चतुराई दिखाएं अंतर्गतवा हम लोग संविधान की लड़ाई लड़ेंगे। अखिलेश जयवीर सिंह ने हमसे बात की, उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ अखिलेश यादव शिवपाल यादव के विधानसभा क्षेत्र में घूम रहा हूं, किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं, जो गुंडई कर ले मैं सब गुंडई को रोक दूंगा और ये लोग इस तरह से मतदान करवाते हैं गुंडई करके, ये आरोप लगा रहे हैं। मैं इसमें क्या कहूंगा, अरे कोई व्यक्ति खुद ही गुंडे की भाषा इस्तेमाल करता हो, जो भी सुना होगा आपके माध्यम से और आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप सच बोलेंगे गुंडा कौन है। मुझे उम्मीद है कि आप अपने चैनल के माध्यम से ये तो बताओगे कि गुंडा कौन है। सरकार में रहकर के जो लोग गुंडे कर रहे हैं वो असली गुंडे हैं क्या? विपक्ष के लोग जो केवल अपने अधिकार को वोट डालने के अधिकार को पूरा डालना चाहते हैं वोट, तो चुनाव आयोग के रहते हुए सब गुंडे ही चल रही है आप ये कह रहे हैं? उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन, ये जो आपसे बातचीत हुई है मंत्री जी की या बीजेपी के नेताओं की, उनके कान आंख तक पहुंचे होगी, शायद वो न्याय दिलाएं। ये बातें जो उन्होंने कही आपत्तिजनक हैं, आपको लगता है ये भाषा की जो आप बात कर रहे हैं और जो आरोप वो लगा रहे हैं? बीजेपी के एक नेता की भाषा खराब नहीं, न जाने कितने नेताओं की कैसी भाषा है और व्यवहार कैसा है। भाषा और व्यवहार आप सब जानते हो, अगर मैं तुम्हें छू लूं तो तुम्हें नहाना पड़ेगा। मैं तो नहा के आया हूँ और मैं तो आपसे नहीं, तो भी नहीं नहाऊंगा मैं। नहीं नहाओगे तो तुम समाजवादी हो। ये मुद्दे क्यों बन रहे हैं, छूने पे नहाने जैसे मुद्दे, आपको लगता है ये मुद्दे भी हैं क्या? मुद्दे इसलिए बन रहे हैं क्योंकि वो किसानों की आय दो नहीं कर पाए और 1,00,000 किसान ने आत्महत्या कर ली। काले कानून लाए थे, 1,000 किसान शहीद हो गया, यहाँ पे थार चढ़ाई, इतनी परीक्षाएं के पेपर लीक हो गए, उनका जवाब नहीं है ना। नौजवान खड़ा हुआ वोट डाला है सरकार के खिलाफ, आप बताइए इस सरकार ने तीसरे फेज का चुनाव हो चुका है, क्या पेपर लीक के बारे में कुछ कहा है या नौजवानों को नौकरी रोजगार देने की बात कही? तो इसलिए जानबूझकर वो ध्यान हटाना चाहिए। एक बात जो अगले जी राहुल गांधी के साथ संभल में सूचनाएं मिल रही हैं कि जो समाजवादी पार्टी के बूथ जो अच्छे हैं वहां पर पुलिस तांडव कर रही है, अन्याय कर रही है, प्रशासन अन्याय करा रहा है। इसी तरह किसनी से शिकायतें आ रही हैं, आपके करहल से शिकायतें आ रही थी और मैनपुरी की तैयारी है शहर में कि बूथ लूटे जाएंगे। बूथ लूटने की तैयारी आप ये कह रहे हैं? बीजेपी के लोगों ने पिछले चुनाव में भी बूथ लूटा थे, तब भी बुरा हारे थे,
ये फिर बूथ लूटने की तैयारी कर रहे हैं। और मैं आपसे कह रहा हूँ, आप भी अपना 4-5 बजे के बाद मैनपुरी पहुंच जाना, बीजेपी के लोग बूथ लूटने की तैयारी कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन है इस बात की, मतलब आपके पास इंडिकेशन आए? पिछली बार भी उनका व्यवहार ऐसा था, सोचिए पिछली बार भी जिनका व्यवहार ऐसा ही हो वो इस बार भी वही व्यवहार करेंगे। अखिलेश जी एक बात मुझे बता दीजिए, आप बताइए चेयरमैन जितने बैठाए जा रहे हैं थाने में, विपक्ष के लोग बैठाए जा रहे हैं, सत्ता के पक्ष के लोग क्यों नहीं बैठाए जा रहे हैं? जब मैनपुरी हरवाने के लिए किया जा रहा है, आपको क्या लग रहा है? ये जो पूरा चीजें आप बता रहे हैं, आपने कई सारे उदाहरण गिनवा दिए। आपके छूलिया तुम जाओ ना हो जाके। नहीं नहीं मैं क्यों ना आऊंगा, मैं तो उस नहीं रोड शो नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक कार्यक्रम कर रहे हैं। अखिलेश रेवन्ना पे कह रहे हैं कि वापस लाके उनको कड़ी से कड़ी सजा रेवन्ना को दी जाएगी। मैं कह रहा हूँ कि उन बुनियादी मुद्दों से मत हटिए। आज बेरोजगारी का सवाल है, नौकरी का सवाल है, और जो विश्व गुरु या विकसित भारत का सपना दिखा रहे हैं, पर कैपिटा इनकम क्या है? किसान का गेहूं खरीदा क्यों नहीं जा रहा सरकार की तरफ से? मुनाफा किसको पहुंचाना चाहते हैं? ये सवाल हैं। हम और आप ध्यान न हटाएं, ध्यान हटाने के लिए उन पर समय समय पे बहुत सारे अभिनव हैं उनके पास जो इस्तेमाल करते रहते हैं। काशी कनेक्शन में बता रहे हैं, बात हुई अयोध्या में जो पीएम ने रोड शो किया है। ये धरती माँ है, धरती माँ है, आसमान क्या मुझे नहीं पता, नदी हमारी माँ है, गंगा माँ है, यमुना माँ है, सरस्वती माँ है, इतनी देवी माँ है। अरे ये देश ऐसा ही है कि जिसमें माँ बहुत हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि बीजेपी के लोग माँ की कसम खा करके क्यूटो बनाने की बात कही हो, आज माँ गंगा का क्या हाल है, माँ यमुना का क्या हाल है? तो ये आप ध्यान मत हटाइए, जो बुनियादी सवाल है, क्या पर कैपिटा इनकम सरकार ने क्या बना ली, महंगाई कहाँ पहुंच गई, आपका कैमरा महंगा हो गया, आपका ये महंगा हो गया, आप एड लेना भी महंगा कर दिए हो, क्या करें अब? महंगाई का जवाब क्या है इनके पास? तो पर कैपिटा इनकम, महंगाई का, इन्वेस्टमेंट का, इन सवालों में जवाब कब आए? आखिरी सवाल दे दीजिए, जो अयोध्या में पीएम ने रोड शो, नहीं आप मुझे 20 बार छू लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जो मैं भी आपको छू लिया, कोई दिक्कत नहीं, आपको नहीं होनी। एक दिन ठीक हो गए, अयोध्या में जो पीएम, मैं ठीक हो गया हूँ। जो अयोध्या में पीएम ने रोड शो किया अखिलेश जी, आप कह रहे छूने से मैं ठीक हो गया। जो अयोध्या में पीएम ने रोड शो किया अखिलेश जी, ये जो भावनाएं हैं, इनको क्या लगता है इससे इलेक्शन का रुख मोड़ने की कोशिश हो रही है क्या? देखिए बीजेपी आधी बातें लगातार, बीजेपी हारने जा रही है, इस देश की जनता बीजेपी को हारना चाहती है। उनकी हर बात झूठी निकली, हर वादा झूठा निकला, और जो जो आंकड़े उन्होंने दिए हैं वो सब गलत हैं। आप बताइए उद्योगपतियों के बड़े लोगों का इन्होंने कर्ज माफ कर दिया, हमारे किसानों का लाखों कर्ज है वो क्यों नहीं माफ किया, मजदूर की आय के बढ़ाने के लिए क्या इंतजाम किया? जिन मजदूरों ने अपनी जिंदगी लगा दी और बहुत सारे दुनिया में संघर्ष हुआ, तब जाकर के उनके लिए कुछ हक सम्मान मिला, उनको अधिकार मिले, उन अधिकारों को शिथिल कर दिया, ये किसने किया? ये जनता देख रही है सब, और दिखाई दे रहा है, इसका सब जवाब इस चुनाव में मिलने जा रहा है। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, धर्म के आधार पे कोटा नहीं मिल सकता। अरे भाई हमने कब कहा यार, तो ये बताइए आप, जो पिछड़े दलित आदिवासियों को जनरल में सीटें मिल जाती थी, आपने पिछड़े दलित और आदिवासियों को क्यों बांध दिया उन्होंने अपने आरक्षण में? क्या मूल भावना से खिलवाड़ नहीं हुई? जो आरक्षण की मूल भावना थी उससे खिलवाड़ हुई है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी नहीं चाहते कि पिछड़े दलित आदिवासी हक सम्मान पाएं, इसीलिए वो संविधान से छेड़खानी की तैयारी है। आप खुद जानते हैं कि जनरल में लोग पहुंच जाते थे, जनरल में क्यों नहीं अब पहुंच पा रहे पिछड़े और दलित तो आदिवासी? ये किसने पाबंदी लगाई, किसने रोका? देखिए आप बताइए, निजी कंपनियां हो जाएंगी, जब बेच दी जाएंगी कंपनियां तो आरक्षण है क्या? टाटा जैसा समूह 10 लाख लोगों को लगभग नौकरी देता होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आप बताइए 10 लाख में क्या नौकरियां हैं उसमें पिछड़े दलितों की? एक समूह का बता रहा हूं, जो देश का सबसे बड़ा समूह है, सबसे ज्यादा नौकरियां प्राइवेट हैं। मान लीजिए हवाई जहाज बिक गए, एयरपोर्ट बिक गए, बंदरगाह बिक गया, LIC डिसइन्वेस्ट होने जा रहा है, या VSNL BSNL दोनों डिसइन्वेस्ट होने जा रहे हैं, एयरपोर्ट्स हैं, तो ये कहां है उनका आरक्षण फिर? तो जब मैं ये कह रहा हूं कि 10 लाख के लगभग डायरेक्ट इनडायरेक्ट नौकरी सबसे बड़ा देश का प्राइवेट समूह देता है, उसमें क्या आरक्षण है?
क्या जवाब है? तो जब प्राइवेट चीजें हो जाएंगी तो आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। यही पिछड़े और दलित आदिवासी यही देख रहे हैं कि बीजेपी लगातार 10 साल में ये फैसले ले रही है जो धीरे धीरे उनको आरक्षण और अधिकारों को खत्म कर देंगे। यूपी में बड़ी ताकत है। एक आखिरी सवाल ये है कि अगर राहुल गांधी अमेठी से लड़ते आपकी ताकत थी ही तो क्या आपको लगता है वो एक बड़ा पावरफुल मैसेज होता क्योंकि आप लगातार सपोर्ट वहां कर रहे हैं? चाहता हूं आप इलेक्शन कमीशन से कहो कि डेट एक्सटेंड कर दें तो फिर हम उनसे बात करें तो तारीख वो फिर नॉमिनेशन कर दें। आपकी इच्छा क्या थी? आप क्या चाहते थे कि वो लड़े? आप सहयोगी? मैंने अपनी इच्छा बता दी। मैं चाहूंगा कि आप इलेक्शन कमीशन से कहें कि एक फैसला ले कि 10 दिन का और टाइम दे दें या 2 दिन का एक्सटेंशन कर दें, तो मैं निवेदन उनसे कर लूंगा, उस हिसाब से वो फिर फैसला ले लें। कितनी सीटें आ रही हैं? सीटें सबसे ज्यादा जीतेगा इंडिया गठबंधन।